बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में कई एंगल सामने आते नजर आ रहे हैं। उनके निधन के 3 महीने बीत चुके हैं। इन 3 महीनों में कई ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं जो काफ़ी चौंकाने वाली हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली जो बात निकलकर सामने आई है वो है ड्रग एंगल। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की केस इस वक्त बॉलीवुड में ड्रग्स केस में लगातार परते खोलती जा रही हैं। इस मामले में जहां पहले सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा का नाम सामने आया था और उन्हें गिरफ्तार किया गया था, वहीं अब कई और नाम इससे जुड़ते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों एक्ट्रेस रकुल प्रीत सारा अली खान का नाम सामने आया था। इसी बीच बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार दीपिका पादुकोण का भी नाम अब सामने आ रहा है, जो काफ़ी हैरान करने वाला है। वहीं अब तक ट्विटर पर दीपिका पादुकोण को बॉयकॉट करने के साथ ही उनसे जुड़े कई मीम्स भी पब्लिक जमकर वायरल कर रहे हैं। बॉलीवुड ड्रग्स चैट में जिन बड़े नामों का जिक्र सामने आया है उनमें दीपिका पादुकोण भी हैं। दरअसल हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स सामने आई थी जिसमें दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया, जिसमें यह कहा जा रहा था कि ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण का भी नाम है और उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ में बुला सकती है। वहीं अब दीपिका पादुकोण इस खबर के सामने आते ही ट्विटर पर तरह तरह के मीम्स वायरल हो रहे हैं। एक तस्वीर शेयर करते हुए एक यूज़र ने लिखा, रिया जेल में आपका इंतज़ार कर रही हैं। बॉलीवुड स्टार्स की पार्टियां एक तरफ निशाना करते हुए एक यूज़र ने लिखा, पार्टी के पहले और पार्टी के बाद दीपिका का हाल। एक यूज़र ने रणवीर सिंह की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, दीपिका पादुकोण के मुताबिक रणवीर सिंह नॉर्मल है और सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे। कुछ यूट्यूबर्स तो दीपिका को डिसलाइक करने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। SPN 9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।